एटीएम आने वाला है, ठीक है, एक फ्लाई बाई दिखाएंगे आपको, ठीक है, चलो दिखाते हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइस, मायसेल्फ देवज्योति, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 o'clock, तो मैंने सोचा ठीक है चलो कहीं घूम के आते हैं और एक ब्लॉग भी शेयर करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो ठंडे का मौसम है, थोड़ा बहुत ठंडा भी लग रहा है, लेकिन हाँ ठंडे में बाइक राइड करने का मज़ा ही अलग होता है। आज है सैटरडे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो सैटरडे को ही घूम के आते हैं। मैं सोच रहा हूँ फेरी घाट के लिए सोच रहा हूँ गाइस। ये देखो गाइस, ये सामने जा रहा है, लेकिन हाँ कोई हेलमेट, कोई भी पर्सन हेलमेट नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए गाइस। हेलमेट तो ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि गाइस हो सकता है कब किसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है कोई नहीं बता सकता है। बाइक में मैंने कभी टॉप स्पीड चेक नहीं किया, तो मैंने सोच रहा हूँ इसका टॉप स्पीड एक बार चेक करेंगे। तो गाइस उतना खाली जगह मुझे नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं इसको टॉप में नहीं लेके जा सकता हूँ। मोस्ट प्रॉब्लम मैं 80, 70, 80, 75 इस टाइप का मैं क्रूज़ करता हूँ, तो उसमें क्या होता है मतलब राइड करने में मज़ा भी आ जाता है और ज़्यादा भगाने में कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। क्या होगा भाई, ज़िंदगी एक ही है। तो गाइस आप एक बार व्यू को देख सकते हो, गाइस गाँव साइड में इस टाइप का व्यू मुझे बहुत पसंद है। आ चुका हूँ बोइदो मोड़, और एक ही स्टॉपिज है मिलन मोड़ जाना है, उसके बाद हम जाएंगे राइट साइड में विदाउट हेलमेट। बिल्कुल आ रहा है, क्या बोलेंगे, इतना एक्सीडेंट होता है रास्ते में, इतना न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में बताते हैं, फिर भी इन लोगों का। चलो हम जाएंगे सीधा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा चलते घूम के आते हैं और आपको दिखाते हैं रोड कैसा है। पता नहीं, क्योंकि बहुत दिन पहले हम आए थे यहाँ पे, जब मैं 9th या 10th में पढ़ाई करते थे उस टाइम एक बार घूमने आए थे। इस साइड में गाइस थोड़ा ठंडे ज़्यादा लग रहा है गाइस मुझे। आप एक बार व्यू को देख सकते हो गाइस, ओह माय गॉड, ओह मज़ा ही आ रहा है। मतलब ये सब रोड में ना बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। दो साइड में आप एक बार देख सकते हो, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब राइड करने का फीलिंग जो होता है ना गाइस, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। होप यू गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर दो गाइस। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी 300 सब्सक्राइबर हुआ है गाइस, तो जल्दी जल्दी 1K कर दो गाइस। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑलमोस्ट हम आ गए गाइस फेरी घाट, यहाँ का बोर्ड है यहाँ पे डायरेक्टली, अगर कलकत्ता जाते हो तो 83 किलोमीटर, रायदेगी 25 किलोमीटर और काशीनगर 12 किलोमीटर। ये देख सकते हो आप फेरी घाट आ गए। तो गाइस यहीं पे ही हम घूमने आए थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आया है टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है चलो हम भी टाइम स्पेंड करते हैं। आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, नज़ारा देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है फेरी घाट। एक्चुअली यहाँ पे आज से 10 साल पहले मैंने आया था, जिस टाइम हम स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम हम आए थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो यहाँ पे आज चलते हैं और आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करेंगे। और एक KTM आने वाला है, ठीक है, एक फ्लाई बाई दिखाएंगे आपको, ठीक है चलो दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हेलमेट को मैंने वहीं पे ही रख दिया, और एक्चुअली हम आए थे इस तरफ से, मतलब लेफ्ट साइड से मेरा आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी जाना है, क्योंकि अभी अंधेरा भी होने वाला है और ये मेरा अननोन जगह है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। गाइस आप एक बार व्यू को देख सकते हो गाइस, अंधेरा भी होने वाला है।